हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो आज ही मंडे और मैं डिनर में ब्लैक चने बनाने जा रही थी, तो सोचा क्यों ना रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले आप सभी लोगों को सेकंड सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मेरा आज फास्टिंग है, बट मैं ये ब्लैक चने अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, तो सोचा चलो रेसिपी भी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ओवरनाइट सो ब्लैक चने हैं। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए रखूँगी। उसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और दालचीनी ऐड करूँगी। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैंने चने ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड कर दिया और दालचीनी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं रख दूँगी गैस पे और 5 to 6 व्हिसल आने तक का मैं वेट करूँगी। पहले मैं चने को बॉईल करूँगी, उसके बाद मैं अलग से इसका तड़का लगा दूँगी। वैसे आप लोगों को बता दूँ कि मैं कोई शेफ नहीं हूँ, मैं जस्ट आई लव कुकिंग, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैं एज अ वर्किंग वाइफ हूँ, तो ऑफिस के साथ साथ मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है। तो जब भी मुझे लंच आउट के टाइम में जब भी टाइम मिलता है, तो मैं जो है कुकिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे, अगर आप नए हो तो डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और हार्डवर्क करूँ और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँ। इवन मैं डेली ब्लॉगिंग भी करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स फील हो कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, सो दैट कि मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँ और भी चीज़ें अपनी डेली रूटीन की आपको दिखाऊँ। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे चलिए मैं दिखाती हूँ कि ब्लैक चने में कैसे बनाती हूँ। चने को अलग से मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया। मैंने यहाँ पे लिया अलग से कढ़ाई, इसमें मैंने लिया है ऑयल और इसमें मैं ऐड करूँगी तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और छोटू सा दालचीनी और ज़ीरा। ये सारे ऐड करके इसको 1 मिनट तक मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक अनियन का पेस्ट। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कुछ अच्छे से हो गया, अब इसमें मैं ऐड करूँगी पेस्ट। लो फ्लेम से मैं इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी और बाकी रेस्ट ऑल बेसिक्स मसाले ऐड करूँगी। इसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। अनियन, जिंजर, गार्लिक अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी एंड अगेन इसको 3 to 5 मिनट तक लो फ्लेम पे मैं इसे कुक करूँगी। अनियन सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 to 5 मिनट तक लो फ्लेम पे अगेन मैं इसको कुक करूँगी। जब तक ये कुक होता है तब तक मैं सारे मसाले निकाल लेती हूँ कि बेसिकली मैं इसमें क्या क्या डालूँगी। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें मैं सारे बेसिक्स मसाले ऐड करूँगी। मैंने इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, सारी बेसिक मसाले मैंने ऐड किया। इसको मैं अच्छे से इसको भून लूँगी 1 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें बॉयल चना जो मेरा ब्लैक है वो ऐड करूँगी। मसाला बिल्कुल अच्छे से हो गया, पर मैं इसमें ब्लैक चना ऐड करूँगी। चने को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको 1 मिनट तक मैं ऐसे मिक्स करके करूँगी, फिर इसमें अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। चना बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, अब इसमें अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग इसमें हम वाटर ऐड करें। वाटर ऐड करेंगे ग्रेवी के अकॉर्डिंग, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगेन लो फ्लेम पे 5 to 8 मिनट तक बॉयल आने तक अच्छे से इसको कुक करेंगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हो कसूरी मेथी, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स एंड यू आर बी रेडी फॉर द टमी। एक बॉयल आने तक इसका हम वेट करते हैं। आप इसको एज अ राइस के साथ भी यूज़ कर सकते हो, रोटी, पूड़ी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो जब तक एक बॉयल नहीं आता उस तब तक हम इसका वेट करते हैं। ब्लैक चना ऑलमोस्ट डन है, लेकिन मैं इसे अभी और 5 to 8 मिनट तक लो फ्लेम पे और इसको बॉईल करूँगी एंड यू आर रेडी फॉर द टमी। चना बिल्कुल अच्छे से हो गया, मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है। ऐड करेंगे ग्रीन कोरिएंडर।
अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया गैस को। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। कल मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।